मीटियोर में काफ़ी फीचर्स हैं, बट देर आर फाइव थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट माई मीटियोर 350. सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट स्टार्ट. ये रही अपनी बाइक. सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं वो है इसका कॉन्सोल. पता नहीं धूप में आपको दिखेगा कि नहीं, मगर इसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं. आई मीन ओडोमीटर है, ट्रिप यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो. मैंने कहा था पिछली वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये आई बटन के बारे में. तो इसको दबाकर आप चलती बाइक में ये सब चीज़ें चेंज वगैरह कर सकते हो. ऐसे ट्रिप ए आ गया, ट्रिप बी, और एक ट्रिप एफ है. वो तभी आता है जब आपका काफ़ी लो फ्यूल हो. तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं इसी में अकेले. इसकी बात अगर करें तो ये नेविगेशन के टाइम यूज़ होता है. आपने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके अपने डेस्टिनेशन भरिए और ये आपको दिखाता रहता है ऐसे एरोज़ वगैरह. इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. मैंने अभी तक इसको कनेक्ट नहीं किया और ना ही इसका मैंने टाइम सेट किया. और स्क्रैच आ गया नहीं. तो ये थी पहली चीज़ जो मुझे मीटियर के बारे में बहुत ही ज़्यादा पसंद है. काफ़ी बुलेट्स में पुरानी में वो दूसरा वाला मीटर होता है, एनालॉग वाला, मगर ये डिजिटल मीटर देके इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ की है. इसमें इंजन टेम्परेचर का भी है, मगर जब आप वो स्टार्ट करते हैं तभी दिखाता है. लेकिन वैसा कोई फीचर रियल में नहीं है, वो बस सिंबल ही दिखाता है. शायद आने वाली मीटियर्स में आपको इंजन टेम्परेचर भी देखने को मिले, जिसमें वो इंजन का भी टेम्परेचर आपको यही कॉन्सोल में दिखा देगा. सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे. ये पहली चीज़ थी जो मुझे पसंद है. दूसरी चीज़ की बात की जाए जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो है ये सीट. बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट आपको हो गर्म होगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर में आती है. इट कम्स इन दिस अमेजिंग ब्राउन कलर और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बेकार सी ऐसी सीट पे बैठे हो. बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. प्रॉपर क्रूजिंग बाइक के लिए जो सीट होनी चाहिए वैसी है. और यू डोंट एक्चुअली नीड द टूरिंग सीट फॉर दिस मीटिंग, और दिस सीट इट्सेल्फ वर्क एज टूरिंग सीट. और पवेलियन की सीट थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ठीक है. अगर आपको ये चीज़ सीट स्टिफ भी लगती है तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो सस्पेंशन वगैरह को, तो उससे काफ़ी फ़र्क महसूस होता है. पिलियन जब पीछे बैठता है उसकी लोअर बैक यहाँ पे लगती है, वो थोड़ी सी पिलियन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है राइडर के लिए. तो ये चीज़ जो थी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. सीट वाकई में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा आपकी बैक को सपोर्ट देती है. आपकी बैक ऐसे सीधी रहती है और राइडर की पोजीशन भी ऐसे सीधी रहती है बाइक पर. आपको ऐसे स्लाउच नहीं होना पड़ता आगे. तो ये थी सेकंड चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. थर्ड जो चीज़ मुझे जो पसंद है वो है इनके टायर्स. C8 के टायर्स हैं. टायर्स की स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर अभी आ गई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. लेकिन अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की कि मुझे क्या पसंद है. टायर की ग्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हाईवे पे हो या फिर आप ऑफ रोडिंग भी कर रहे हो. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रिप है टायर्स की. और सबसे अच्छी बात है ये ट्यूबलेस टायर्स हैं. अगर आपका पंचर वगैरह भी हो जाता है तो कुछ किलोमीटर तक ही आपका साथ दे सकते हैं, आपको मैकेनिक वगैरह तक पहुंचा देंगे. और ट्यूबलेस होने के साथ साथ ये अलॉय व्हील्स में आते हैं. स्पोक व्हील्स मुझे पसंद नहीं आते, वो जावा वगैरह के आते हैं स्पोक व्हील्स, उनकी शो नहीं इतनी अच्छी होती. ये सुंदर भी काफ़ी लगते हैं अलॉय वाले, और ये आपको बाहर से लगवाने की भी ज़रूरत नहीं, मीटियर में ये साथ ही आते हैं. तो ये टायर्स की बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को. और आपका अगर एयर प्रेशर की बात की जाए दोनों में आप 30-30 करवा सकते हो, गर्मियों में इतना ठीक रहता है. रॉयल एनफील्ड 32 बोलती है, लेकिन गर्मियों के लिए 30 ही ठीक है. ये बहुत ही अच्छे टायर्स हैं, काफ़ी रिलायबल भी हैं. तो ये थी थर्ड चीज़ जो मुझे पसंद आई टायर्स के बारे में. फोर्थ जो मुझे चीज़ पसंद है वो है इसका इंजन. ये सिंगल सिलेंडर BS5 का एयर कूल्ड इंजन है. ये 349 cc का इंजन है. असल में आपको लग रहा होगा ये 350 का है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में वैल्यू इसकी 349.34 cc है. और मैक्स पावर इसकी 20.2 BHP पे आपको 6100 RPM तक मिल जाती है. और मैक्स टॉर्क इसकी 27 Nm पे 4000 RPM तक मिल जाती है. बहुत ही सही इंजन है. और इसमें सेमी सिंथेटिक ऑयल डलता है, फुली सिंथेटिक नहीं, सेमी सिंथेटिक. और इंजन ऑयल की कैपेसिटी 2.20 liters की है. ये बात हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन की. अब बात करते हैं इसकी एक्सपीरियंस की कि मुझे कैसा ये लगा. जब आप इसको हाईवे पे चलाते हो तो एयर कूल्ड है, आपको कोई हीट नहीं फील होती, बहुत ही सही इंजन है. एंड लेकिन जब आप इसको सिटी वगैरह में चलाते हो
तो सिटी वगैरह में बार बार ब्रेक्स लगती हैं, दुकान वगैरह पे रुकते हो आप, बार बार बाइक बंद होती है स्टार्ट होती है, तो इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट छोड़ता है। और आपने अगर जीन्स भी पहनी होगी तो आप ऐसे अगर चलाते भी हो तो आपको फील होती है हीट आपकी लेग पर लगते हुए, तो वो बहुत ही ज़्यादा हीट होने लग जाता है। इंजन में एक और हिडन फीचर है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, 5 हिडन फीचर्स ऑफ मीटियोर, जिसमें मैं इसको कवर करूंगा। आपने वो देखनी होगी, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। माइलेज की बात की जाए तो 32 कंपनी बोलती है, लेकिन अगर आप ऑप्टिमल कंडीशन में बाइक रखोगे, सही से चलाओगे, तो आपको 35 भी मिल सकती है माइलेज, इवन की 38 भी मिल जाती है माइलेज। तो ये था 4th फीचर जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है मीटियोर में। 5वीं और आखिरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है मीटियोर 350 में, वो है इसका कलर। आई मीन ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये डुअल टोन में आता है, और ये ब्राउन कलर सिर्फ और सिर्फ सुपरनोवा वेरिएंट में आता है। ये कलर ही मेन रीज़न था सुपरनोवा वेरिएंट लेने का मेरा। और सोने पे सुहागा ये कि मैंने ब्लैक ही कलर का लगड़ लगवाया, क्रोम में नहीं लगवाया, इसीलिए ये ब्राउन कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ऊपर से ब्राउन कलर मेरा फेवरेट कलर भी है। तो देखिए ब्राउन और ब्लैक का कितना सही से मिक्सचर है दोनों कलर का। ये फायरबॉल वगैरह स्टेलर में नहीं आता, स्टेलर का मैरून भी मुझे काफ़ी पसंद लगा था, लेकिन ब्राउन कलर की अपनी एक अलग शो है। जब बाइक चलती है ट्रैफिक वगैरह में तो लोग एक बार देखते हैं कि भाई ये कौन सी बाइक है। तो और ये सीट के साथ भी मैच कर जाता है, ब्राउन कलर की सीट है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। देखिए आई मीन बाइक स्टिल भी खड़ी हो तो भी बहुत ज़्यादा मस्त लगता है ब्राउन कलर, धूप में बहुत अच्छा दिखता है। तो ये थी 5वीं चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है मीटियोर में, इसका ब्राउन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन। सो ये थी मीटियोर की 5 बेस्ट थिंग्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। इट्स कम्प्लीटली माई ओपिनियन, यू कैन हैव योर ओन बेस्ट थिंग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।